एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सारा काम तो गाइस दोपहर के अभी बज चुके हैं 12:30। और नोनी को भी मैंने अभी मतलब नहला के भी बिठाया है। आज मैंने धोए हैं नोनी के कुछ गर्म कपड़े, क्योंकि मौसम चेंज हो गया और दिवाली पे हम लोग जाएंगे गाँव में 3-4 दिन के लिए। तो मैंने उसके लिए ही ना मतलब जो फुल स्लीव्स के कपड़े थे, जो हल्के गर्म कपड़े थे, वो मैंने सारे आज धोए हैं। क्योंकि रखे रखे ना उनमें थोड़ी सी मतलब स्मेल सी हो जाती है। तो मैं भी सुबह ही नहा लेती हूँ, क्योंकि कार्तिक माह का टाइम चल रहा है। तो मैं भी सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ। नहाने के बाद बस अब मतलब अब जो बाकी का काम बचता है, अभी एक बार और मैं शावर लेके आई हूँ। अब बाल वगैरह अपने थोड़े से भी ऑयलिंग करूंगी बालों में, और उधर नोनी के लिए कुछ मेरे को बनाना है, क्योंकि अभी मैंने उसको नहला विला के अभी उसको मैंने दूध पिलाया है। बाकी उसके लिए कुछ बना देती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ उसके लिए ना जवे बना दूँ, क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने आलू गोभी की सब्जी। तो सूखी सब्जी ना वो खाती नहीं है। मेरे साथ बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ना जब मैं आलू गोभी की सब्जी या कुछ बना लेती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे कुछ अलग से बनाना पड़ता है। इसके लिए खाना बना के फिर मैं करूँगी इन कपड़ों पे अपने सूट पे प्रेस, क्योंकि ये मैं कपड़े लेकर जाऊँगी अपने गांव में, और वो ये सूट मैं वहीं रख दूँगी, क्योंकि ये वाले सूट मैं यहाँ पे कम पहनती हूँ। तो ये मतलब नए सूट है, तो वहाँ पे मेरे ये अच्छे से यूज़ भी हो जाएंगे। उन्हीं बैठी हुई है यहाँ पे, देख रही है अपना कार्टून बैठ के आराम से। और आज इसने पहना हुआ है नियारू दीदी का नाइट सूट। लास्ट ईयर इसको ये बड़ा था, इस बार बिल्कुल फिट आया इसको ये वाला। पूरा फोकस है टीवी पे, पूरा फोकस है। मैंने आज नोनी के कुछ गर्म कपड़े धोए हैं, सिर्फ इसी के कपड़े धुले हैं आज सारे जितने भी हैं। मैं भी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह से डाल के गए थे पर ना सूख जाते हैं, गर्मी हो रही है ना। तो ये पौधा तो मेरा बिल्कुल ही सूख गया था। मैं गांव चली गई थी ना 10-15 दिन के लिए, तो वहां से आने के बाद ना अब इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकल गई हैं, नहीं तो पूरा खराब हो गया था। पूरा मतलब सूखे ना, देखो इसकी पत्तियां पूरी नीचे झड़ गई थी। और अब हमारी तुलसी भी ना अच्छी हो गई है, ये रही हमारी तुलसी भी। और वो वाला पौधा भी हमारा अच्छा चल गया है, एलोवेरा तो हो ही रहा है बढ़िया। इसको तो वैसे खाद पानी की जरूरत भी नहीं रहती, पर फिर भी मैं इसमें पानी डालती रहती हूँ। थोड़ा सा और ले आती हूँ पानी, इसमें भी दे देते हैं थोड़ा सा पानी। और तुलसी माता को तो मैंने सुबह ही दिया था पानी, नहानों के पानी सुबह ही दे देती हूँ मैं इनको तो। और अभी ये बाकी का पानी इसमें डाल देती हूँ। तो पौधों में भी मैंने पानी डाल दिया, और बाकी के कपड़े भी मैंने पलट दिए हैं, क्योंकि फिर ना ये सूख जाएंगे अच्छे से। वैसे सूख ही गए हैं, मशीन में सूखे हुए कपड़े ना जल्दी सूख जाते हैं। अब इनको उतार के ना सारे फोल्ड करके रख दूंगी। और अब मैं जा रही हूँ नोने के लिए जवे बनाने के लिए। नमक के जवे बना देती हूँ इसके लिए, क्योंकि अब सब्जी तो क्या ही बनाऊँ इसके लिए। टमाटर डाल के बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ना खाएगी नहीं बिल्कुल भी ये लड़की। तो टमाटर भी काट लिया मैंने, आधा ही टमाटर काटा है, क्योंकि नोनी नोनी के लिए जमे बनाने हैं।
मैंने जमों में भी तड़का लगा दिया, जब तक नोनी के जमे बन रहे हैं मैं कर लेती हूँ प्रेस की तैयारी, क्योंकि मुझे करने हैं अपने कपड़ों पे प्रेस। और मैं जितने भी मेरे सूट वगैरह हैं आज मैं फ्री हूँ, मतलब मेरा जल्दी काम निपट गया है। 1 बजने वाला है, अभी नोनी को खाना वाना खिला के उसको सुला भी दूंगी, उसके बाद मैं पूरी दोपहर ना फिर अपने कपड़े प्रेस करूंगी, क्योंकि ना फिर टाइम नहीं मिलता है। और 2-3 सूट ना मुझे ठीक भी करने हैं अपने, मतलब अल्ट्रेशन वगैरह करनी है। पहले जो मैंने ओपन किए थे ना सूट, वो अब मुझे लूज़ हो गए हैं, तो अब वो लूज़ होने की वजह से ना मुझे ढीले ढाले आते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए ना मैं बैठ के अपने सूटों की फिटिंग करूँगी अभी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम निपटा लिया। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, खाना वाना में अभी तो भूख नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने हैवी नाश्ता कर लिया था आज, पराठा और चाय। और नोनी कर रही है यहाँ पे डांस। किचन का सामान तो कुछ नहीं छोड़ती, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ती, लाइटर हो या कुछ भी हो सब चीज उठा के ले आती है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और जमे भी हमारे बन के हो गए हैं तैयार, अभी ठंडे हो जाते हैं तो नोनी को खिलाऊंगी। अभी थोड़ा सा देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। नोनी की बचपन की फोटो जो कि हमारी बनी थी हॉस्पिटल में, ये वाली फोटो, और इसके पापा की भी इसमें क्लिक होनी थी फोटो, लेकिन ये घर आ गए थे, इनको कुछ काम था। तब तक जमे नोनी के ठंडे हो रहे हैं, बाहर का मौसम एक बार देख लेते हैं कि कैसा हो रखा है। इधर की विंडो ना मैं बंद ही रखती हूँ, क्योंकि इधर से ना बहुत ज्यादा मिट्टी आती है। धूप निकली हुई है बढ़िया। स्कूल में ना बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो ये बैठे हुए हैं बच्चे, ये बैठे हुए हैं। पास में स्कूल होने का मजा है, जब भी इनके एनुअल डे फंक्शन या फिर कोई भी 26 जनवरी का फंक्शन या 15 अगस्त का कोई फंक्शन होता है ना, तो ये लोग यहाँ छत पे करते हैं, और मतलब यहाँ से पूरा ओपन होता है, पूरा टेंट लगा के पूरी स्टेज वगैरह लगी होती है, और हम लोग ना यहीं से इनका पूरा फंक्शन देखते हैं। और अभी तो ये पेड़ ना थोड़ा बड़ा हो गया है, पहले मतलब बड़ा नहीं था, अब ये बहुत ऊंचा हो गया है, तो थोड़ा इधर से ना कवर हो गया है, ऊपर वाली छत से पूरा क्लियर नजर आता है। अभी बारिश के बाद ना ये मतलब जब पतझड़ आएगा ना तब पूरा क्लियर हो जाएगा, जब पत्ते झड़ जाते हैं ना दूर तक। अभी पेड़ पौधे ना बारिश में बड़े बड़े हो गए हैं, तो यहाँ से ना दूर तक का भी कुछ दिखाई नहीं देता, नहीं तो यहाँ से मेन रोड पूरी नजर आती थी, ये पूरी नजर आती थी यहाँ से, और पूरी मेट्रो लाइन नजर आती है यहाँ से पूरी वहां तक की। ये मेट्रो लाइन है यहाँ से अर्जुन पार्क की, ये जो द्वारका जाता है ना यहाँ से पूरी वो है। और अभी ये पेड़ से कवर हो गई है, और यहाँ से जो चौकी वाली रोड है ना वो भी पूरी नजर आती है, लेकिन ये पूरा ना कवर हो गया है पेड़ से। अभी गाइस जमे हो गए हैं नोनी के ठंडे, अब इसको खाना खिला दिया जाए, क्योंकि फिर ना ये सो जाएगी ना तो उठ के खाना नहीं खाएगी, फिर दिक्कत हो जाती है, फटाफट से इसको खिला देती हूँ। बोलो बेटा जमे, जमे खा लो आपकी फेवरेट चाउमीन, चाउमीन आपकी फेवरेट चाउमीन लो, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, पीछे हो जाओ पीछे, मम्मा खिलाएगी आपको, मम्मा खिलाएगी बेटा, पीछे हो जाओ थोड़े से, पीछे हो जाओ ना, चेंज करो इसको। हाँ मेरे को पता है म्याऊ है, हेलो, इसको जमे बहुत ज्यादा पसंद है, अच्छे हैं, अच्छे आपको सब पता है, अच्छे हैं कैसे हैं, खाओ खाओ, कैसे बने हैं, कैसे बने हैं बताओ मम्मा को, कैसे बने हैं अच्छे, ये ऐसे करती है अच्छे। Thank you.
नहीं मना नहीं कर रही क्या? कह रही नहीं कह रही नहीं मैं नहीं जाऊंगी। दो वो रख के खुद मारती है अपने आप। तो गाइज अभी हम शाम को गए थे मार्केट और मार्केट से हमने शॉपिंग करी है थोड़ी सी दिवाली की, और नोनी के मैं लेकर आई हूँ कपड़े वगैरह। और मतलब फिर ये था कि टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग गए थे शाम को अभी मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए भी, और कई सारे सामान लिए मैंने नोनी के लिए शॉपिंग करी है। गई तो मैं अपना सामान लेने भी थी, लेकिन मुझे ना नाइट में मुझे साड़ी का कुछ सामान मतलब ब्लाउज मैच करना था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई हूँ। देखती हूँ कल संडे है तो कल लेकर आऊँगी जो मेरा मैचिंग का सामान है। बाकी का जो थोड़ा बहुत था सामान वो मैं ले आई हूँ दीपावली का सजाने के लिए लड़ियाँ। और मैंने लिए आज ये न्यू बेडशीट। नोनी का स्कूल शुरू हो गया है, बैग आ गया है, बुक्स आ गई हैं। बैग दिखाओ।